देखो इधर शाहरुख खान बन गया है रुपेश। ये ले भैया 10 फुट वाली पतंग अब उड़ने वाली है। अरे 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 उड़ता फिरता फंस गया। मेरे साथ सेल्फी कराना चाहते हो? ये मेरा पहला फैन मूवमेंट है जहाँ लोग मेरे साथ सेल्फी क्लिक करवाना चाहते हैं। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग? दिस इज रुपेश चावड़ा। आज है 14 जनवरी, उत्तरायण का दिन, इट्स मकर संक्रांति का दिन, आज काइट चगाने का दिन, आज लगाएंगे लोग पतंग। दो वीडियोस लास्ट वाले पतंग मार्केट के देखे थे, आज मैं दिखाऊंगा आपको अहमदाबाद की पोड़ वाली उत्तरायण। मैं और मेरे साथ आ रहे सौरभ, जो कि मेरा बहुत अच्छे दोस्त है दिल्ली से। आज उसका पहला एक्सपीरियंस होने जा रहा है गुजरात की कोई पोड़ में अहमदाबाद आके कोई उत्तरायण फेस्टिवल एंजॉय करने का। मेरा भी पोड़ का पहला एक्सपीरियंस आज, और मैं चाहता हूँ कि ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। वी आर गोइंग टू अटेंड उंदियू, वी गोइंग टू अटेंड गरबा, उत्तरायण एयरपोर्ट, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग। अरे मैं सौरभ की बात कर रहा था ना, तो सौरभ आ गया, सौरभ ही दे देगा उसका इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी उत्तरायण। दिल्ली से मैं अभी पूरा गुजरात ट्रैवल करने निकला हूँ। अभी मैं जितना भी ट्रैवल करने वाला हूँ गुजरात में, पूरा रुपेश के साथ करूंगा। बहुत मजा आ रहा है। देखो जर्नी स्पेशल होती है, जगह से तो होती है, लोगों से भी होती है। तो यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे दिल्ली दरवाजा BRTS पे, और घर से निकलने के बाद याद आया कि एक और बंदा हमारे साथ आ रहा है उड़ता फिरता करके। हमारा एक नया दोस्त है जो कि रैंडमली मिला है, साथ में ब्लॉक किया नहीं। सौरभ के साथ तो घूमना फिरना बहुत रहा है, लेकिन उड़ता फिरता के साथ तपन भाई के साथ कभी नहीं हुआ। चिल्ली कोट शेरी, अच्छा जैसे इसको गुजराती पसंद नहीं, मतलब गुजराती पाता ही नहीं है इसको। और हमारे साथ है मिस्टर तपन कुमार मकवाना, और इनका भी अलग से चैनल है उड़ता फिरता 2.0 समथिंग लाइक 2.0। ठीक है बढ़िया, हम लोग यहाँ पे चिल्ली कोट शेरी पे पहुंचे। इसके बाद आगे का प्रोग्राम क्या होगा, हमारे दोस्त को फोन किया, उनके भाई आ रहे हैं, उनके भाई हमको रिसीव करेंगे। विल गो विद देम एंड विल एंजॉय दिस उत्तरायण। रिपोर्ट के मकान दिख रहे हैं एकदम पड़ोस पड़ोस में एकदम सटे हुए, एक के बाद यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। प्रेम भाई का मकान है, प्रेम हमारे दोस्त है बहुत ही अच्छे। नहीं ब्रिजेश भाई है, प्रेम भाई के छोटे भाई है। पोर के मकान मैंने बहुत देखे, लेकिन ये देखो एंट्रेंस देखना, यहाँ से एकदम से नैरो और फिर अपस्टेयर्स। लेट्स गो इनसाइड। अरे पूछेंगे ऊपर जाके, थोड़ा पूछूंगा कितना पुराना है मकान। एंशिएंट टाइम का लग रहा है। इससे ऊपर जाना क्या? हाँ। भाई मैं वो वाली सीढ़ी से आया हूँ, और यहाँ से अब ये वाला देखो छोटा सा सिर नहीं टकराता यहाँ पे। अच्छा इधर नहीं गया, लेकिन उत्तरायण इधर जा रही है ना भाई साहब। ये वाला पतंग जो है ना, ये अपकमिंग प्रोजेक्ट है हमारा, शाम को चढ़ेगा ये। उड़ता फिरता फंस गया, एकदम क्लाइमेक्स वाला सीन आ रहा है। दोपहर के 2:45 बजे रहे, सबको धूप करारा लग रहा है, तो मुझे लगता है इसकी वजह से थोड़ा ऑफ ऑफ माहौल लग रहा है। हमें लगा कि थोड़ा चिल्ला चिल्ली होगा, थोड़ा माहौल होगा एकदम गर्मा गर्म। तपन भाई से अच्छा मुझे लगता है कि उड़ता फिरता है तुमको बुलाओ भाई। हम जहाँ पे प्रेम भाई के वहाँ पे है, तो उनकी मदर यहाँ पे। आंटी जी क्या लाए हो आप? खिचड़ा लाई हूँ। खिचड़ा? खिचड़ा खिचू जैसा रहता है क्या? कुछ नहीं नहीं, वो गेहूँ का बनता है। अच्छा मीठा वाला है जिसमें पूरा ड्राई फ्रूट होता है सर, एकदम लापसी जैसा लग रहा है। जाए बाहर जाए अंदर जाए, सामने आ गया उंधिया। हीरो है उंधिया। रवैया भरेला, भरैया रवैया भाई, यहाँ पे तो पूरी महफिल लग चुकी है। कितनी चीजें निकल रही है इसमें से, तो 4 तो आइटम निकली है थैले में से। आंटी जी और भी है क्या? वो जादू थैला है। जादू ही थैले में से कितना निकालोगे? और ये सारी चीजें हैं आज की स्टार्टअप हो रहा है। वैसे पतंग तो हम चलाने नहीं वाले, लेकिन एक्सप्लेनिंग हम क्या क्या एंजॉय कर रहे हैं। गुजराती खिचड़ा, और अंकल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वैसे। तो ये सारी चीजें, और फाइनल में जो डेजर्ट लगाए, दिस इज द थिंग, जो कि आपको भी ट्राई करना चाहिए अगर आपके घर पे, अगर ट्राई नहीं किया तो अभी करो आप। सौरभ का कब से वीडियो अटका पड़ा था, पिछले पता नहीं यहाँ से 1.25 घंटा होगा यहाँ पे आया, उतनी देर में हमारे साथ कौन आएगा भाई? स्वागत तो करो हमारा है, प्रेम भाई आ गए यहाँ पे वापस। और प्रेम भाई का पूरा फैमिली, इनके काका श्री, मामा श्री सब लोग आ रही है, कजिन लोग भी सारे यहाँ पे हैं। तो कैसे हो फैमिली, सब बढ़िया ना? हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, और यहाँ पे उत्तरायण का जो माहौल है बड़ा ही गजब होता है। समझ में आ रहा है? कच्चा पक्का आ रहा है, कच्चा पक्का आ रहा है। सौरभ ट्राई कर रहा है कि सबके साथ ना वो रिदम मैच कर पाए, लेकिन सब गुजराती लोग यहाँ पे इकट्ठा कर सब गुजराती में ही बात कर रहे हैं। मेरे साथ सेल्फी कराना चाहते हो? वाह गॉड, ये मेरा पहला फैन मोमेंट है जहाँ लोग मेरे साथ सेल्फी क्लिक करवाना चाहते हैं। तो यहाँ से बाहर निकलना भी एक टास्क है। ये सीढ़ियाँ देख रहे हो, एकदम खड़ी वाली सीढ़ियाँ। अरे 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 बड़े पतंग भी है, जो कि मार्केट में भी देखे नहीं थे, इससे भी बड़े बड़े पतंग है ये, बहुत बड़े बड़े पतंग। अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट टेरेस पे, जहाँ से पूरी पोड़ का व्यू ऑलमोस्ट दिखता है, बहुत ही अच्छा नजर दिखता है। विल गो ओवर देयर, और दिखाएंगे आपको कि कैसा नजारा वहां से दिखता है।
ये मकान के बारे में बात हो रही थी। ऊपर जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर के ऊपर केबिन वाला एरिया, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। जो फोर के मकान है उसका आर्किटेक्ट ही उसी तरह डिजाइन है। ऊपर जो सेकंड फ्लोर दिख रहा है वहाँ तक ऊपर से बीच में यहाँ पे रोशनदान निकलता है, जहाँ से पूरा इल्यूमिनेट रहता है और पूरा लगता है एकदम एयर फील होता है यहाँ पे। ये वाला व्यू कैसा लगा है? ये सही है। एक और स्टेप ऊपर है यहाँ पे, ऊपर की तरफ केबिन में जो मकान है, इस मकान से पड़ोस में लगता है जो पुराने मकान जो हुआ करते थे वो वाले, और जो नए मकान अभी बन गए वन स्टेप अप वाले। गुजराती हो और उतरायण हो तो फिर चौड़ा फड़ी तो होना ही है, आज हमारा पेट जेठालाल जैसा हो जाएगा। एक ग्रुप वहां से पतंग खींच रहा है, एक ग्रुप यहां से पतंग खींच रहा है, लेकिन हमारा जो पतंग है वो किसी से खींचा नहीं जा रहा है। उस वाले मकान पे जहाँ पे हम लोग थे वहाँ पे सब लोगों ने बोला कि हमें एक सेल्फी लेना है, हमें एक छोटा सा वीडियो लेना है, एंड आई पुट दैट वीडियो ऑन माय इंस्टाग्राम। सो अगर इंस्टाग्राम नहीं देखा तो डू चेक आउट दैट इंस्टाग्राम आल्सो। हवा का जो रुख है वो इस तरफ आ गया, अभी मन लग रहा है कि बड़ा बड़ा पतंग जगाया जाए और आगे का शॉट दिखाया जाए। पुराने वाले ट्रेस पे जा रहे हैं जहाँ से बहुत ही अच्छा फ्लो आएगा, और ये घूमते घूमते वापस हम ये पोड़ वाला मकान पे आ गए जहाँ पे स्टेयर गेज है मेरे सामने, ऐसे सामने सामने सीढ़ियां लग गई। वैसे ऊपर आते ही इनका काम शुरू हो गया, और ये जो बड़ी वाली पतंग दिख रही है उसपे किनियार लगाने का, मतलब रेडी टू फ्लाई वाला जो टैग है हमारा वो लगाने का शुरू हो गया। ये जो नॉर्मल किनियार रहती है वो रहती है सिंगल लेयर थ्रेड की, लेकिन ये वाली जो रहती है वो रहती है चार थ्रेड वाली। ये आ गया हमारा नया साफ फिरकी, और ये क्या ब्रांड न्यू है क्या? एकदम ब्रांड न्यू। यूसुफ बाबा, अच्छा यूसुफ बाबा बाहर आ रहे हैं, क्या बात है। गजब का सीन हो गया, पहली जो पतंग लगाई थी वो बीच में से जो थ्रेड था वो कट गया कहीं ना कहीं, उसको गुजरात में गाती बोलते हैं, कहीं से छोटा सा कट होगा वो कट से ज्यादा प्रेशर लग गया तो पतंग गई। वो तपन भाई वहां पे चढ़ के पूरा वीडियो शूट कर रहे हैं, मतलब कहीं नहीं जगह मिला, इतना बड़ा जगह है, यहाँ से चढ़ के ऊपर की तरफ गए वहां से जाके वीडियो शूट कर रहे हैं, बोला वहां से नजारा अच्छा दिख रहा है। पागल ब्लॉगर। इसके लिए जुनून चाहिए तुमको। इस बार भी अच्छी वाली पतंग सही से करी, लेकिन इस बार दो फिरकी लगा के गया। ये वाला है गेंडा, यूसुफ गेंडा, यूसुफ एंड गेंडा, वही है। दोनों सेम फिरकी का थ्रेड, बड़ा ही तेज थ्रेड है भाई, कहाँ से लाते हो इतना बढ़िया बढ़िया थ्रेड है? हम घर से ही लाते हैं। घर से ही लाते हो तो फिर आपके घर पे ऑर्डर आएंगे अगली बार। अरे भाई दूल्हे को भूलता है लेकिन सब अनवर को भूल जाते, ये अनवर वाला काम है। ये पतंग की छत के नीचे पांच लोग रह सकते हैं, इतना बड़ा है। बच्चों का फोटोशूट चल रहा है, इतनी बड़ी पतंग है, पूरा लाइफ टाइम मेमोरी बनाने लोग। लोग इतनी साइज ऑफ दिस पतंग, ये बच्चा लोग इतना 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 बच्चा लोग, और ये पतंग का साइज देख लो इतना बड़ा। लुक एट दिस पोज, ये मेरा बचपन वाला काम है, ठीक है, बचपन स्कूल में मैं यही करता था। सौरभ, तपन और मैं, हम लोग यहाँ पे केबिन पे बैठे, यहाँ पे बड़ा सा पतंग, बहुत बड़ी सही, इट्स अराउंड लाइक 18.5 and 9 feet का पतंग, और वहाँ पे ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा है, यहाँ से पूरा एरिया दिख रहा है, सब लोग यहाँ पे टेरेस पे एकदम एंजॉय कर रहे हैं, ब्यूटीफुल सा सनसेट, इतने सारे पतंग यहाँ पे, आपको जूम करके बाद में दिखाया जाएगा, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं मतलब गिनती नहीं हो रहा, इतना सारा पतंग है यहाँ पे। तपन भाई टाइमलेस ले लिया, गिन सकते हो आप, एक एक टेरेस पे 20-25 लोग है, इतना सारा लोग है, मतलब हर टेरेस पूरा भरा हुआ है, दूर दूर तक जहाँ तक नजर है तब हर जगह अच्छा खासा सनसेट, हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, और वहाँ पे वहाँ पे भाई ने लगा दिया किनियार, मतलब रेडी टू फ्लाई है बड़ा सा पतंग, इसको ढाल बोलते हैं यहाँ पे, तो प्रेम भाई जो पतंग पकड़ के खड़े हैं उसको बोलते हैं वैसे ढाल बोलते हैं उसको,
और बहुत ही बड़ा पतंग। प्रेम भाई का हाइट मेरे जितना है और ये पतंग का हाइट 10 फीट, बहुत ही ज्यादा हाइट हो जाता है ये। इस पतंग को मुझे लगता है चढ़ाने के लिए यहाँ से चढ़ाएंगे तो ज्यादा यूजफुल रहेगा। कंटेंट बनाते बनाते मैं साथ साथ में इंस्टाग्राम का भी कंटेंट बनाता रहता हूँ, तो जो सनसेट हो गया ना पीछे उसके वेट करते करते हमारा भी पतंग ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब फोटो तो हमने क्लिक नहीं करवाया लेकिन हमने के लिए थोड़ा सा क्लिक तो हमें भी किया है। ये तैयार है 10 फुट वाले पतंग। पकड़ना इसको। ये लो भैया 10 फुट वाली पतंग अब उड़ने वाली है। पतंग 10 फीट की और फिर की 5 है। बाप रे बाप। पिशन पतंग यहाँ से शुरू हुआ था, फिर इस टेरेस पे आया, इस टेरेस से उस टेरेस पे जा रहा है, वहां से जाएगा वहां पे, और वहां पे जाके वो लोग पतंग को हवा देंगे और यहाँ से खींचेंगे। ये पतंग चल रहा है 6 दूरी पे, 1 2 3 4 5 और 1 6 दूरी। 6 दूरी पे ये पूरा पतंग का सेटअप लगा। पतंग का साइज देखो, इट्स जस्ट अबाउट अ बड़ा वाला 10x10 का स्क्वायर। और वहां से वो जो लड़के लोग खड़े ना, वहां से वो लोग पतंग को फ्लाई करेंगे। चलो 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 चलो। क्या बात क्या बात। नहीं हो पाया, कल होगा यार। जो सनसेट था बहुत ही प्यारा था। तबन भाई थे हमारे साथ और यहाँ पे सौरभ भी था। पूरा दिन बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन उस अमेजिंग दिन को बनाने वाली एक ही फैमिली थी हमारे साथ यहाँ पे। बोला चाहेंगे एक साथ शूट चले पब्लिक। ये सेट करके रखो क्या। फैमिली थी हमारे साथ एंड वी आर सेलिब्रेटिंग दिस क्राइम विद दिस फैमिली। सुपर आसम डे टुडे। 6:30 हो रहे शाम के और बहुत सारे लोग अभी भी है। फायर वर्क का प्रोग्राम अभी चलेगा, पतंग अभी भी चल रहे हैं। गुजराती और गरबा एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हर फेस्टिवल में काम भी आता है। सारे गरबा करेंगे आराम से, हम लोग जाएंगे यहाँ से इस फैमिली के साथ। बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। थैंक यू प्रेम भाई फॉर इन्वाइटिंग अस एंड बहुत मजा आया आपकी फैमिली के साथ। देखो इधर शाहरुख खान बन गया है रुपेश, देख रहे हो। अभी 4-5 ऑटोग्राफ दिए इसने अभी। आप देखो वो इनके इतने सारे फैंस है कि सब फोटो खिंचाने के लिए आ गए हैं। बहुत सारा फन किया हमने यहाँ पे प्रेम भाई की फैमिली के साथ और बहुत ही अमेजिंग सा दिन गया आज का। पूरा फैमिली था, हमने लंच भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और स्पेशल थैंक्स टू प्रेम भाई कि हमको इनवाइट किया और इतना ज्यादा मजा आया हम लोगों को। मैं था यहाँ पे, फिर दोस्त थे हमारे उड़ता फिरता और सौरभ भी था, तो हम लोगों ने तो बड़ा एंजॉय किया। आपने भी इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया हो तो इस वीडियो को लाइक करके जाना और सब्सक्राइब कर देना। जब मैं तू का झेलोगे आओ मैं